देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बे इंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यही सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनके कालखंड के अंदर ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी मौका और सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से ये तीनों प्रकाश पर्व को बहुत मन और भक्ति भाव के साथ मनाकर न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर महान सिख गुरुओं के संदेश को, उनके भक्ति के संदेश को, उनके वीरता के संदेश को, बलिदान और समानता के संदेश को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। और आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां साल भी मना रहा है। और 75वें साल में आज यही लाल किले के मैदान में हम सब बैठकर गुरु साहब की वाणी का श्रवण किए हैं, जहां से कभी गुरु साहब को बलिदान करने का फतवा जारी किया था, वहीं पर बैठकर आज उनके गुणगान और भक्ति गाने का मौका ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु साहब का जीवन हम सब के लिए न केवल अनुकरणीय है, युगों युगों तक देश के हर बच्चे को, देश के हर युवा को प्रेरणा देने वाला जीवन रहेगा। बचपन से ही त्याग, समर्पण, बलिदान और वीरता के गुण से बचपन से ही गुरु साहब ने अपना परिचय किया था। गुरु हरगोविंद साहब की छत्रछाया में शिक्षा और दीक्षा हुई और बाद में त्याग मन से गुरु तेग बहादुर तक की यात्रा 13 साल की कम उम्र में ही उन्होंने पसार करी। 13 साल की उम्र में करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक युद्ध में, ऐतिहासिक घेरे में जिस वीरता के साथ उन्होंने तलवार से, तेज से मुगलों का सामना किया, तब जाकर 8वें गुरु साहब ने उनको तेग बहादुर नाम से अलंकृत करने का काम किया। संस्कृत, हिंदी, गुरुमुखी अनेक भाषाओं को विद्वता के साथ उन्होंने न केवल सीखा, उस पर महारत हासिल की। और सभी गुरुओं का संदेश ये सभी भाषाओं में पूरे देश के लिए फैलाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश का भ्रमण किया, यात्रा की आसाम तक, आसाम से लेकर पटना साहिब तक, पटना साहिब से लेकर आनंदपुर साहिब तक और पूरे पंजाब में, तो वो गुरु तेग बहादुर जी ही थे। और 20 साल की साधना
एक प्रशांत मूर्ति में परिवर्तित हुए गुरु महाराज, और उन्होंने पूरी देश के अंदर सद्भावना का, समानता का और शांत वीरता का अनुभव किया। बलिदान, सहनशीलता, समर्पण और उच्च ज्ञान के सभी गुणों को उन्होंने देश के सामने रखने का काम किया। महान आनंदपुर साहब की स्थापना भी उन्होंने की, और जब कश्मीरी पंडितों पर मुगलों के अत्याचार बढ़े और वो लोग गुरु साहब की शरण में गए, तब गुरु साहब ने उनको कहा, तेग बहादुर जी ने कहा कि जाओ जाकर बता दो औरंगजेब को, अगर गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और वो खुद चलकर वहां से दिल्ली तक आए। उनके साथ तीनों साथियों ने असह्य वेदनाओं को भोगते हुए बलिदान दिया, फिर भी गुरु साहब के सामने ही अपने तीनों शिष्यों का बलिदान देखकर भी वो पस के मस नहीं हुए, और अंत में उनका सर धड़ से अलग करने का हुक्म बादशाह ने सुना है। मगर तेज चलाने वाले, सर कलम करने वाले तो चले गए, जिन्होंने अपने सर का बलिदान दिया। अब 400 साल के बाद भी करोड़ों करोड़ों लोग आज उनके मार्ग पर चलते हैं और उनकी शहादत को याद करते हैं। और इसीलिए आज भी उनको हिंदी चादर का उपनाम से पूरा देश जानता है। इस देश पर उनके बड़े उपकार रहे, और उन्हीं के पावन घर के अंदर दशम पिता का जन्म हुआ, और दशम पिता ने जिस प्रकार से औरंगजेब के जुल्मों का सामना किया, अपना सर्वस्व बलिदान किया, 400 जादू का बलिदान देकर पिता की बलिदान की परंपरा को दशम पिता ने आगे बढ़ाया। और आज मैं निर्विवाद रूप से मानता हूं गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी दशम पिता के बलिदानों के कारण ही आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, आज देश स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, और आज देश 75वें पर्व को भी स्वतंत्रता का मना रहा है। हम सब महान सिख गुरुओं के ऋणी है, पूरा देश महान सिख गुरुओं का ऋणी है। इस 400वें प्रकाश पर्व के अंदर कल प्रधानमंत्री जी स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर कविता का पुस्तक का अनुवाद काव्यांजलि भी पेश किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर गद्य पुस्तक का भी विमोचन होगा। अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में बच्चों के लिए कॉमिक का शुभारंभ भी कर होगा। 3 एनिमेशन फिल्में और 13 लघु फिल्मों का शुभारंभ होगा। इसको बाद में देश की हर भाषा में, हर प्रांत की भाषा में अनुवादित किया जाएगा, जिससे पूरा देश गुरु साहब का संदेश प्राप्त कर बच्चे अपने जीवन में प्रेरणा ले सके। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बहुत बड़ी निबंध प्रतियोगिता की गई, जिसके अंदर लगभग 85,000 स्कूलों के 18,00,000 बच्चों ने नौवें गुरु के जीवन पर अपना निबंध लिखकर उनके गुणों का वर्णन किया, उनका गुणगान करने का काम किया। हम सब समझ सकते हैं देश के कोने कोने में जब 18,00,000 बच्चे गुरु तेग बहादुर जी पर जब निबंध लिखते हैं, तो उनके जीवन में भी गुरु जी का संदेश, तेग बहादुर जी का संदेश और गुरु साहब का सभी गुणों को आत्मसात करने का धोरण भी आज वो बच्चों ने प्राप्त किया है। मैं यहाँ पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पवित्र पर्व के अंदर मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया, सहभागी होने का मौका दिया, और आज मैं आप सभी को लाख बधाइयां देना चाहता हूँ गुरु पर्व की, 400वें प्रकाश पर्व की। और हम सब आज एक निर्णय करके जाए
कि सिख गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर हम चले और अपने जीवन को धन्य करें। फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित शाह जी, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के अज के इस महान दिहाड़े 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित